बायोडायवर्सिटी, ये टर्म जो है ये दी है एडवर्ड विल्सन ने। तो मैक्सिमम वैरायटी किस किस की है? राइस की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। प्लांट्स में अगर वैसे देखते हैं तो फिशेस वगैरह से सबसे ज़्यादा क्या है? जू प्लांकटन वगैरह से फंगी ज़्यादा है। स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कहाँ पे है? तो वेस्टर्न घाट में काफ़ी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। स्पीशीज़ के अंदर 70% जो हैं वो एनिमल हैं, और इस एनिमल में 70% जो है वो इंसेक्ट्स हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो तो फिर भी 30% है पूरे अर्थ के ऊपर, लेकिन एनिमल ज़्यादा हैं और एनिमल में इंसेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं कि भैया इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या ज़्यादा है, तो इंसेक्ट है, फिर अदर एनिमल्स हैं जिसकी, और भी तो एनिमल्स होते हैं ना, तो यहाँ पे हम अदर एनिमल्स करेंगे। फिर है मॉल्यूकस, ठीक है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो वर्टिब्रेट्स में है फिश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बर्ड है, तो मछली है, बर्ड है। मछली ज़्यादा होंगी तो फिर बर्ड होंगे। मछली जैसे मान लेते एक बर्ड ने 10 मछली खा ली, मछली का ज़्यादा होना ज़रूरी है, तो मछली है फिर बर्ड है और फिर रेप्टाइल है, ठीक है ना। प्लांट्स की हम बात करें, प्लांट में सबसे ज़्यादा क्या है? एंजियोस्पर्म है। फिर क्या है? फिर हमारा फंगी है, फिर एल्गी है। इंडिया के अंदर जो लैंड एरिया है ना वो कितना है? 2.4%। उसमें से जो ग्लोबल स्पीसीज है वो कितनी है? 8.1 है, ठीक है। तो लैंड कितना है? 2.4 है। स्पीसीज कितनी है? 8.1% है। और इंडिया जो है ना वो 12, हमारे पास टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी है। हमारे पास कितनी मेगा डाइवर्सिटी है? 12 मेगा डाइवर्सिटी है। उसमें से इंडिया भी हमारा एक मेगा, इंडिया भी एक है, ठीक है। और अगर हम टोटल हॉटस्पॉट की बात करें तो टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं? हॉटस्पॉट है 34। पता है इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कहाँ पे? सिंपल है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, ठीक है ना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, अमेज़न में ही क्यों, मतलब ट्रॉपिकल में इतना अच्छा क्यों पाया जाता है? देखो ट्रॉपिकल जो है ना वो लेस सीजनल है। अमेज़न हमारा इक्वेटर पे पड़ता है ना, ट्रॉपिकल वाले एरिया में आता है। ट्रॉपिकल जो है वो लेस सीजनल है, जैसे कि यहाँ पे ट्रॉपिक, जैसे कि केरला है, केरला ट्रॉपिक में आता है, तो यहाँ पे सर्दी सर्दी चलती रहती, सर्दी इतनी नहीं होती है, गर्मी भी इतनी नहीं होती है। और जब हम टेम्परेट में आते हैं, हरियाणा में आते हैं, तो यहाँ पे सर्दी कितनी ज़्यादा है, गर्मी कितनी ज़्यादा है ना। तो लेस सीजनल होता है ट्रॉपिकल। तो लेस सीजनल का मतलब क्या है? ये बहुत ज़्यादा कांस्टेंट, ये काफ़ी कांस्टेंट होता है। और जो चीज़ कांस्टेंट होती है, अब ट्रॉपिकल है तो यहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, बारिश जहाँ पे ज़्यादा बारिश है वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ पे नीश का स्पेशलाइजेशन होता है, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, तो नीश जो है उसका स्पेशलाइजेशन भी होता है, ठीक है ना। अब स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, तो क्या है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप? ये किसने दिया था? तो ये दिया था अलेक्जेंडर
वॉन हम्बोल्ट ने, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था एरिया, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की बात किसने की थी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। अब एक आएगा रिवर, रिवर मतलब क्या होता है, सॉरी रिवर्ट, रिवर्ट माने होता है स्पीसीज। तो स्पीसीज पॉपर हाइपोथेसिस, ये किसने दिया था? ये दिया था पॉल एलरिच ने, ठीक है ना, पॉल एलरिच ने दिया था ये। अच्छा पता है 32 एम्फीबियन की जो स्पीसीज है वो एक्सटेंट हो चुकी है, प्लांट की भी कुछ 30% हो चुकी है, तो 30% तो लगभग इनकी स्पीसीज जो है वो एक्सटेंट हो चुकी है। अब हम एलियन स्पीसीज की बात करते हैं, तो एलियन स्पीसीज इसमें पहला है, इसमें नाइल पर्च है, क्या है? नाइल पर्च। ये नाइल पर्च कहाँ पाया जाता है? लेक विक्टोरिया अफ्रीका में पाया जाता है। कैरेट ग्रास, लेंटेना, वाटर हायसिनथ, अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है ना। नाइल पर्च, कैरेट ग्रास, लेंटेना, वाटर हायसिनथ, अफ्रीकन कैटफिश। हम बात करें अगर बायोप्रोस्पेक्टिंग की, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है, ये एक ना नैरो यूटिलिटेरियन अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम मॉलिक्यूल्स को या फिर जेनेटिक को और स्पीसीज की डाइवर्सिटी को, मॉलिक्यूल को, जेनेटिक को, स्पीसीज की डाइवर्सिटी को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, और ये नैरो है, तो यानी एक्सप्लोर हम क्यों कर रहे हैं? केवल हम अपने इकोनॉमिक पर्पस के लिए, है ना, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ओके, अब देखो इनसीटू कंजर्वेशन देखते हैं और एक्सीटू कंजर्वेशन देखते हैं। तो इनसीटू कंजर्वेशन सबसे अच्छा माना जाता है, कहीं पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सीटू मेनली कहाँ पे होता है? जो स्पीसीज हमारी एंडेमिज्म होती है। एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है कि स्पीसीज जो है वो उसी रीजन तक कन्फाइन रहेंगी, वो कहीं और नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। ओके ठीक है, तो हमने देखा था ना कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं हमारे, 34 हैं, है ना। और ये जो 34 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली 2% एरिया को ही कवर करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसमें तीन जो है हमारे पास हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट है हमारा, ठीक है, वेस्टर्न घाट है, श्रीलंका है, इंडो बर्मा है। वेस्टर्न घाट श्रीलंका पास पास है ना, ये वेस्टर्न घाट, ये श्रीलंका हो गया, इंडो बर्मा है, हिमालय है। अब ये जो इंसीटू है ना हमारा इंसीटू, इसमें क्या होता है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बायोस्फेयर है, ठीक है। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बायोस्फेयर है, ठीक है। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फेयर है। हॉटस्पॉट 34 होते हैं, कवर करते हैं 2% वाइल्ड लाइफ। वेस्टर्न घाट है, श्रीलंका है, इंडो बर्मा है और हिमालय है, ठीक है। अगर हम एक्सीटू की बात करें, एक्सीटू में क्या होता है, एक्सीटू में हमारे 5 हैं, जैसे कि जियोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, क्या है, जियोलॉजिकल पार्क है,
दूसरा क्या है, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ, सफारी पार्क, ठीक है ना, क्या वाइल्ड लाइफ, सफारी पार्क, सीड बैंक, ओके। तो जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक, और पांचवा हमारा क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। तो ये टेक्निक में क्या होता है, इसमें जो हमारी जो थ्रेटन स्पीसीज होती है ना, उसके हम लोग गेमेट्स को प्रिजर्व करके रख लेते हैं लंबे टाइम के लिए। अच्छा, अब पता है ये जो वर्ल्ड समिट थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हुई थी 2002 में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी जोहान्सबर्ग में, ठीक है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी ये। ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब हम अगले टॉपिक पे चले। अगला टॉपिक है हमारा एयर पोल्यूशन। पता है एयर पोल्यूशन को हम लोग पांच तरीके से सही कर सकते हैं। पहला है स्क्रबर। स्क्रबर से हम लोग ना सल्फर डाइऑक्साइड को हटा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसके साथ जो एक डस्ट पार्टिकल्स और गंदे गंदे पार्टिकल्स होते हैं, वो इसका चिपक के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एक जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये कहता है कि बिलो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से अगर नीचे होगा तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है, ग्रेटेस्ट हार्म है उसमें, ठीक है। ग्रेटेस्ट हार्म है उसके अंदर। ओके, चौथा तीसरा क्या मेथड है हमारा, लेड फ्री पेट्रोल या फिर डीजल, है ना। तो लेड फ्री पेट्रोल या डीजल, ओके। और चौथा क्या है हमारे पास, कैटालिटिक कन्वर्टर। ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ना, इसमें क्या होता है, इसमें प्लेटिनियम होता है, पैलाडियम होता है और रॉडियम होता है ना। क्या क्या होता है इसके अंदर, कैटालिक कन्वर्टर के अंदर, प्लेटिनियम, पैलाडियम, रॉडियम। तो ये ना बड़ी ही एक्सपेंसिव मेटल है, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव से है ये। तो इनको क्या करते हैं हम लोग, जो ऑटोमोबाइल है ना, उनके अंदर फिट कर देते हैं। जैसे इनको फिट करेंगे, प्लेटेनियम, पैलाडियम, रोडियम को, उससे इनका जो एमिशन है वो रिड्यूस हो जाता है। और क्या फ़ायदा होता है कैटालिक कन्वर्टर का, एक और फ़ायदा ये होता है कि जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी CO2 बन जाती है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है वो नाइट्रोजन बन जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या करेंगे, नाइट्रोजन बना बन जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन तो वैसे भी होती है ना एटमॉस्फेयर में 70%। पता है ये जो हमारा एयर पोल्यूशन एक्ट है, ये कब आया था? तो ये हमारा आया था 1981 में, ठीक है, 1981 में। और ये अमेंड कब हुआ हमारा, ये अमेंड हुआ 1987 में। 1986 में हमारा आया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एक मिनट, ठीक है। तो 1986 में ये आया है, 87 में ये अमेंड हुआ है, 81 में ये आया है। इस तरीके से हम नॉइज़ किसे कहते हैं, कोई भी साउंड जब 150 dB को क्रॉस करेगी ना, उसको हम लोग कहते हैं नॉइज़, ओके।
अच्छा जी, अगले पे चलें। तो बायो मैग्निफिकेशन की हम बात करें, देखो इसमें क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम लोग सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल पे बढ़ते जाएंगे तो जो टॉक्सिकेंट होता है, क्या होते हैं, टॉक्सिकेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, मरकरी है, डीडीटी है। ठीक है, तो हाई डीडीटी जो है वो डिस्टर्ब करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को। मतलब अगर हाई डीडीटी हो जाएगा ना तो कैल्शियम को मेटाबॉलिज्म नहीं करने देगा, उससे बोन्स की डेथ हो जाती है। कैल्शियम हड्डी किसकी बनती है, कैल्शियम की, और ये कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर दे कोई चीज़ तो फिर कैसे काम चलेगा। इससे क्या होता है, इससे जो एग शेल है ना हमारा, एग शेल वो थिन हो जाता है। भाई कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो एग शेल डिस्टर्ब हो जाएगी, इस वजह से क्या होता है, प्री मेच्योर ब्रेकिंग हो जाती है। तो क्या देखा हमने, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, एग शेल जो है बड़ी पतली सी हो गई है, इससे प्री मेच्योर ब्रेकिंग हो जाती है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन की हम बात करते हैं, यूट्रोफिकेशन ठीक है जी, इसमें क्या होता है ना, इसमें जब नेचुरल, ये नेचुरल याद रखना, नेचुरल एजिंग हो जाती है लेक की, ऑफ लेक। कैसे हो जाएगी, जब न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एनरिच हो जाए, तो वो काई जम जाती है उसके ऊपर, है ना। तो नेचुरल एजिंग, नेचुरली एजिंग हो जाए ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट से। लेकिन अगर ये नेचुरल ना हो के ये मैनमेड आदमी के द्वारा हो जाए, इंडस्ट्री का एफ्लुएंट वगैरह फेंक दें इसके अंदर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कल्चरल और एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। कल्चरल और एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन, ओके। इकोसेन टॉयलेट की हम बात करते हैं, इकोसेन टॉयलेट। इसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलरली केरला में चल रहा है और श्रीलंका में चल रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा होता है उसको या तो ये नेचुरल फर्टिलाइजर बना लेते हैं या फिर ये केमिकल फर्टिलाइजर बना लेते हैं। इसी को ही बोलते हैं इकोसेन टॉयलेट, इकोसेनेटरी हो गया एक तरीके से। पता है ओपन बर्निंग की जगह हमें सैनिटरी लैंडफिल करना चाहिए, हालांकि ये भी ज़्यादा अच्छा तो नहीं है बट ओपन बर्निंग से बेटर है। क्या है, ओपन बर्निंग सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, पॉली ब्लेंड की हम बात करें, पॉली ब्लेंड तो ये ना फाइन पाउडर होता है रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक का, जो रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक है उसका फाइन पाउडर होता है पॉली ब्लेंड। पॉली ब्लेंड को जब हम बिटुमिन के साथ मिक्स करते हैं तो उससे क्या, ये ऐसा मटेरियल बन जाता है जिससे हम लोग रोड बना सकते हैं। ठीक है, तो पॉली ब्लेंड क्या होता है, रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक, जब हम इसको बिटुमिन के साथ मिक्स करते हैं ना, इससे फिर हम रॉड बना सकते हैं। पता है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर
जो यूवी रेज है वो सीएल एटम पे काम करती है, क्लोरीन पे काम करती है, और क्लोरीन से क्या होता है ना कि क्लोरीन से ओजोन नहीं बन पाता है, तो क्लोरीन जो है वो ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को डिग्रेड करती है, ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ये डिग्रेड करती है, ठीक है। अब पता है यूवी बी जो है वो बहुत खतरनाक होता है, उससे हमारे डीएनए डैमेज हो सकता है, उससे हमारा म्यूटेशन रुक सकता है, और ज़्यादा ही हो तो स्किन कैंसर कर देगा, इससे ना इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया जो हमारी आँख का जो कॉर्निया होता है ना उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं उससे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है इससे, इसी से ही होता है स्नो ब्लाइंडनेस, याद रखना है, इसी से कैटरेक्ट है, स्नो ब्लाइंडनेस है, इसी से होते हैं ये सब चीज़ें, मोतियाबिंद, यूवी भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसके लिए ओजोन के लिए हम क्या लेके आए, मॉनिटर प्रोटोकॉल लेके आए, कब लेके आए, 1987 में जब एयर पोल्यूशन अमेंड हुआ था, ठीक है। ये इफेक्टिव कब बना, 1989 से। पता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये हमारा आया है 1980 के अंदर।